नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। मैं आपको बताते चलूं, तमाम वीडियो हमने बनाए हैं इसे, लेकिन आज एक खास वीडियो आपके लिए हम लेकर गए आ रहे हैं। जो देख रहे हैं आप, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसे लेकर के हमसे हमें मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि इन्होंने एक मारुति सुजुकी जो कंपनी है, जिसे मारुति सुजुकी के नाम से जानते हैं, तो उनका टाइप उस कंपनी से हुआ है और इनके द्वारा काफी लोगों को रोजगार मिलने वाला है। जो हमारे साथ में शख्स हैं, प्रदीप जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किस कंपनी में आप लोगों को जॉब मिल सकती है और कितनी क्या सैलरी रहेगी, क्या फैसिलिटी रहेगी वहां पर, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं इनके बारे में कुछ जानकारी दे दूं, ये आपके होम टाउन सुमेरपुर से ही हैं, लेकिन अब इस समय ये गुजरात में शिफ्ट हो चुके हैं। और क्या जानकारी है और कुछ जानकारी इन्हीं से लेते हैं। सर, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए जिससे कि हमारे वीडियो देखने वाले लोगों को पूरी जानकारी हो सके। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं भरुआ सुमेरपुर का रहने वाला हूं, पर अभी फिलहाल गुजरात में शिफ्ट हो गया हूं और वहीं बिजनेस मेंटेन करता हूं। मेरा वहां पर काम सुजुकी प्लांट में चल रहा है और हमारा थर्ड पार्टी है और बहुत सारे लोगों को हम, जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान कराते हैं। पढ़े लिखे या अनपढ़ होते हैं, जो जिस पोस्ट के लायक होता है उसको उस प्रकार की जॉब प्रोवाइड कराते हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर, सारा जो भी कंपनी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर है, और जितने भी प्रकार के बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के लिए अच्छे से अच्छी पोस्ट में हम जॉब प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बेरोजगारों की बात करें तो तमाम लोग बेरोजगार हैं और उनमें से पढ़े लिखे कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो शुरुआत से ही अगर घर से कमजोर रहते हैं तो पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाते हैं। अगर जैसे किसी ने कक्षा 8वीं कर रखी है, 10वीं कर रखी है या इंटर कर रखा है, उन लोगों के लिए क्या काम मिलेगा और कितनी क्या सैलरी रहेगी? उन लोगों के लिए हमारे यहाँ पर प्लांट में प्रेस ऑफ डिपार्टमेंट है और डीवर्क डिपार्टमेंट है। उसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा मेहनत का काम नहीं है, बट टेक्निकल काम है। अगर कोई समझदार है, पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं है या एक भी नहीं है, तो उनको टेक्निकल समझा के उनको 10 से 15 दिन उनको समझाया जाता है और उनको समझा के कोई भी काम सिखा के उनको प्लांट में लगा दिया जाता है। और कोई भी ऐसा वर्क नहीं उनसे कराया जाएगा कि एक भी दिन कोई फ्री है। उनका जिस दिन से ज्वाइनिंग हो जाएगा उसी दिन से उनकी पेमेंट चालू हो जाती है। वहाँ अगर ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो भी उसका भी उनको पेमेंट मिलेगा, प्रोवाइड कराया जाएगा और सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे मान लीजिए किसी की इच्छा है कार्य करने की और वहां तक जाता है, वहां पर एक दो दिन कार्य करता है, उसे काम अच्छा नहीं लगता है और फिर वो काम नहीं करना चाहता है, जैसे उसने दो चार दिन जो कार्य किया, तो क्या उसका पैसा उसे हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा, क्या सिस्टम है उसमें? जो गवर्नमेंट रूल्स बनाए हैं कि मंथली पेमेंट होता है, तो अगर किसी ने जनवरी मंथ में काम किया हुआ है तो उसका फरवरी मंथ में पेमेंट आता है, वही प्रोसेस के अनुसार पेमेंट दिया जाएगा। यानी कि एक महीने उसे इंतजार करना पड़ेगा लेकिन उसका रुपए मिल जाएगा। जी बिल्कुल, उसका नहीं है कि दो चार दिन किया तो बोले कंपनी खा गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई भी वर्कर अगर काम करता है और उसको काम पसंद नहीं आया है और वो अगर वहां से छोड़ के जाना चाहता है, तो अप्लीकेशन देकर जो सिस्टम होता है सिस्टम के अनुसार जाता है, तो उसका एक भी रुपए ना तो कंपनी होल्ड करती है और ना तो कोई थर्ड पार्टी होल्ड करती है, उसको पैड किया जाता है। आपका कंपनी से किस प्रकार का कैसा क्या टाई अप है, कैसे आप लोग जो है वैकेंसी निकालते हैं? हम एक थर्ड पार्टी हैं, हमारा एक खुद का जो रजिस्ट्रेशन है पीके एंटरप्राइज करके, मेरा खुद का कंपनी है और उसका मैं खुद प्रोप्राइटर हूं, मैं ओनर हूं। और थर्ड पार्टी की तरफ से हमें एक वर्क ऑर्डर दिया जाता है, सुजुकी कंपनी है या कोई भी अदरवाइज ऑटोमोबाइल कंपनी है, तब जाके हम उस कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं और जॉब देते हैं। केवल अभी आपका काम सुजुकी में चल रहा है, इससे पहले भी किसी कंपनी में किया या आगे भी कितनी कंपनियों पे आप काम कर सकते हैं अपने जो है एंटरप्राइज? इसके पहले हमने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, जैसे कि टाटा के लिए भी हमने रिक्वायरमेंट दिया हुआ है और हीरो के लिए भी रिक्वायरमेंट दिया हुआ है और एमजी मोटर्स हो गई, कई सारी ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जिनके लिए हमने जॉब किया हुआ है और दिया हुआ है रिक्वायरमेंट। बट अभी प्रेजेंट टाइम पर सुजुकी में रिक्वायरमेंट चल रही है और सुजुकी के लिए हम अभी रिक्वायरमेंट चला रहे हैं। लगभग अभी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने अप्लाई ले सकते हैं? अभी 450 एम्प्लॉय जो हैं वो हमारे लड़कों के लिए है और 85 लड़कियों की वैकेंसी है। लड़के लड़कियां दोनों? जी, लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं और दोनों के लिए बराबर सेम सैलरी है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगर लड़का हो या लड़की हो, अगर वो उस लायक है और काम कर सकते हैं, बराबर काम कर रहे हैं, तो कोई भी भेदभाव नहीं है। कंपनी में सभी लोगों के लिए बराबर वर्क है और बराबर पेमेंट है, सैलरी, कोई मोल तोल नहीं।
चलिए, ये तो बात हुई उन लोगों के लिए कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि ज्यादा जो है डिग्रियां नहीं ले सके हैं। और अब बात करेंगे उनकी जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखी है, तमाम जो डिग्रियां उनके पास हैं, उनके लिए किस प्रकार से जो वरीयता मिलती है, क्या वर्क मिलता है उनके लिए? एक क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। उनमें क्या रहता है कि अगर अच्छे पढ़ाई किए हुए हैं और उनको नॉलेज अच्छा होता है तो उनको क्वालिटी डिपार्टमेंट में सेट किया जाता है, जिससे कि वो जो भी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, उसका क्वालिटी देखने के लिए उनको रखा जाता है। और जैसे जैसे उनको नॉलेज हो जाता है, सीख जाते हैं, 1 महीने 15 दिन 20 दिन उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और इसके बाद उनको पार्ट चेक करने के लिए लाइन पे छोड़ दिया जाता है। जैसे धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता है, वैसे ही क्वालिटी इंजीनियर या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर आगे चल के जितना ज्यादा वो उनको नॉलेज बढ़ता है और उतना ज्यादा आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही सैलरी उनकी आगे बढ़ती जाती है। शुरुआत की बात करें तो कितने से सैलरी की स्टार्ट हो जाती है और कितने घंटे ड्यूटी रहती है? स्टार्टिंग जो सैलरी की अगर हम बात करें तो 10,000, 10,500, 11,000, 11,500 और 12,000 रुपए, ये फ्रेशर का 8 घंटे की सैलरी है। और प्लस संडे उनको एक्स्ट्रा भरकर मिलता है, संडे कोई जॉब नहीं है, संडे का कंपनी की तरफ से उनको भरकर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब खाली रहता है, जॉब नहीं करनी होती, लेकिन उसका पैसा मिलता है? जी, संडे का कंपनी प्रोवाइड करती है पैसा और 8 घंटे का जॉब है। इसके अलावा बहुत से लोग जैसे गरीब घर से होते हैं, जिनको जरूरत होती है कि उनको कुछ ज्यादा पैसा कमाना है, तो उन लोगों के लिए कंपनी ने अपने तरफ से ओटी की सुविधा दे रखी है। अगर ओवर टाइम करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट उनको मिलेगा, जिससे कि वो आराम से 15,000-16,000-17,000 रुपए सैलरी पहुंचा जाती है उनकी। जी, और जैसे कि बात करें उनके रहने खाने की, क्या कंपनी की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, क्या कुछ चार्जेस है? जी, सुविधाएं कंपनी ने दे रखी हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अदर कंपनी जो है उनका पहले चार्ज जमा करा लेती हैं, हमारे कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो कोई किसी को ज्वाइनिंग फीस प्रोवाइड करनी है और ना तो आपको कहीं पर भी रूम का या खाने का पहले पैसा देना है। कंपनी ने सारी सुविधा दे रखी है, बट चार्जेबल है। जो रूम रहने के लिए आपको दे रखी है कंपनी ने, तो वो रूम में आपको पर एम्प्लॉय 1,000 रुपए डिडक्शन करती है। प्लस कंपनी में 2 टाइम खाना और 2 टाइम चाय नाश्ता मिलता है, उसका 1,600 रुपए कंपनी काटती है। और जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो पीएफ, ईएसआईसी और प्रोफेशनल टैक्स होता है, वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही कटता है। यानी पीएफ वाला भी सिस्टम सारा कुछ है, पूरा लीगल है, कोई भी ऐसा अनलीगल काम नहीं है, पूरा गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, और हमारा जो भी थर्ड पार्टी है वो पूरा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो गवर्नमेंट के बिना जानकारी के हो रहा हो। हर जॉब है या जो भी वर्क है, पूरा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। बिल्कुल, देखा, ये थे प्रदीप जी, जो आपके जनपद हमीरपुर से ही संबंध रखते हैं और इस समय गुजरात में शिफ्ट हो चुके हैं। और इनके शिफ्ट होने का मात्र एक ही कारण है, क्योंकि इन्होंने कम समय पे, कम उम्र पे जो है बहुत ऊंचाइयों को पाया है। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, जो इनका पीके एंटरप्राइजेज है, उसके ओनर हैं ये। बहुत ही जो है कम समय में इन्होंने इस लक्ष्य को हासिल किया है। और इस समय लोग जब रोजगार के लिए परेशान होते हैं, तमाम जो कंपनियों पे अपना जो है रिज्यूम डालते हैं, फिर भी उन्हें कंपनी वाले सिलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनके माध्यम से आप लोग जो है एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। और वो भी आप इनसे बात भी कर सकते हैं, इनसे पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। इसके लिए ये अपना जो है अपना मोबाइल नंबर दे देंगे सर। कुछ जैसे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ उनके अंदर जो डाउट है, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपसे कॉल के माध्यम से बातचीत करना चाहते हैं तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। बिल्कुल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9998890075, ये मेरा नंबर है। और मेरी ईमेल आईडी है pkgroup37@gmail.com। इस कॉन्टैक्ट पे आप अगर मेल करते हैं तो मेल द्वारा आपको जॉब मिल जाएगा, अगर कॉल करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और कुछ कंपनी से रिलेटेड अगर वीडियो भी चाहिए वर्क के तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें किसी प्रकार का कोई चिटफंड, कोई धोखाधड़ी वाला काम तो नहीं है ना? कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। और अगर बाय चांस बीच में अगर कोई आपसे कोई चार्ज मांगता भी है तो आपको पे नहीं करना है। मैंने जो नंबर बताया उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, और आप बेहिचक आप उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है। कोई भी चार्ज किसी को भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है। तो क्या आपको ये समझें कि आप कंपनी का और जो वर्कर हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो एम्प्लॉई है, उनका आपका मतलब एक हाथ पकड़ाने का कार्य करते हैं, कंपनी से मिलवाने का कार्य करते हैं? बिल्कुल, हमारा हम थर्ड पार्टी हैं
और अभी गवर्नमेंट में भी देख लीजिए कि बहुत सारी ऐसी जॉब है, जैसे कि आर्मी ने क्या किया हुआ है अभी कि 4 साल के लिए प्राइवेट कर दिया है, अभी कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कर दिया है, तो उसमें 4 साल जो भी देख रेख रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर के ही लोग करेंगे। उसी हिसाब से जो कंपनियां होती हैं वो हम लोगों को जो जॉब देने का कार्य होता है, वर्क करवाने का, वो थर्ड पार्टी को ही देती हैं और वो सारा काम हम देखते हैं, हम लोग करवाते हैं। बाकी जिम्मेदारी सभी की रहती है, थर्ड पार्टी से लेकर कंपनी से लेकर गवर्नमेंट की, तीनों की जिम्मेदारी रहती है सर। जैसे कभी कोई कैजुअल्टी हो जाती है वहां पर जो भी एम्प्लॉय हैं उनके साथ में कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर कोई वैसी कोई घटना, अप्रिय घटना हो जाए, तो उसके लिए आप लोग कैसे क्या उनकी मदद करते हैं, कैसा सहयोग देते हैं? अगर बाय चांस किसी भी एम्प्लॉय की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस बेस पे जो कंपनी ESIC या WC काटती है तो उस बेस पे उसका जो कंप्लेन दर्ज होता है, वहाँ के जो लोकल पुलिस चौकी होता है वहाँ पर एक एंटीमेशन देना होता है। इसके बाद जो गवर्नमेंट तरीके से जो उसका कंप्लाइंसेस होता है, अगर उसका कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होता है, जैसे कि अगर उसके हाथ में या पैर में कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आई, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से उसकी एक डिसेबिलिटी लिखवाई जाती है। जो डिसेबिलिटी उन्होंने वो लिख कर देंगे, उस हिसाब से उनका जो सैलरी वेजेस होता है, सैलरी वेजेस के हिसाब से उनको कंप्लाइंसेस दिया जाता है। यानी कहें कि जो सरकारी नौकरी जो होती हैं उनमें जो सुविधाएं मिलती हैं वो प्राइवेट तौर पे भी मिल रही हैं? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट में सुविधा मिल रही है सारी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जो इसमें नहीं मिल सके, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखा तो ये सर थे हमारे साथ में जिन्होंने संपूर्ण जानकारी दी। आप कमेंट करके जरूर बताइए हमारा ये प्रयास कैसा रहा और ये जो कंपनी है कंपनी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, जो वैकेंसियां निकाली जा रही हैं इस बारे में आप क्या जो है अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।